देश की जनता तय करे कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये एक अच्छी शुरुआत है जहां दल इकट्ठे हो रहे हैं और दल मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर रहे हैं। लेकिन मुझे देश की जनता से अपील है, इस समय जब आज भारत छोड़ आंदोलन को याद कर रहे हैं हम सब, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी नारा दिया था इस देश से अंग्रेज भाग गए, आज के दिन देश की जनता तय करे कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और सफाया इसलिए ज़रूरी है, एक ऐसी पार्टी जिसने काले धन के नाम पर वोट लिया हो, काला धन नहीं आया, नोटबंदी कर करके जनता को परेशान कर दिया, कारोबार उद्योग बर्बाद हो गए, जीएसटी दूध दही पर लग गया हो, नौकरियां हैं नहीं, के बगल में फरक्काबाद में 1,13,000 नौजवानों ने अग्निवीर के लिए फॉर्म भरे हैं, भर्ती देने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि लाखों लाख घर वापस लौट आएंगे, किसी को नौकरी सरकार नहीं देगी, करोड़ों बेरोजगार हैं। जो विकास समाजवादियों ने शुरू किया था उत्तर प्रदेश में वो ठप है, वैसा ही का वैसा है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए, ईडी की ताकत से और पैसे की ताकत से महाराष्ट्र सरकार गिरा दी, पैसे की ताकत से मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, पैसे की ताकत से उत्तर प्रदेश की सरकार बनाई। ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने पैसा बांटा, लोगों को लालच दिया, वो इस तरह की विश्वासघात की बात करेगी? भारतीय जनता पार्टी को विश्वासघात शब्द अपने कोष से निकाल देना चाहिए। इसलिए निकाल देना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी विश्वासघाती पार्टी अगर कोई है देश में तो वो भारतीय जनता पार्टी है। याद करो नोटबंदी, याद करो जीएसटी, याद करो करोड़ों नौकरी, क्या इन्होंने विश्वासघात जनता के साथ किया कि नहीं किया? और किसानों की आय दोगुनी करने वाली पार्टी जिसने भरोसा दिलाया और आज भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, क्या विश्वासघात नहीं किया जनता के साथ, किसान के साथ?